इस वीडियो में आप हमारे इंडियन सिस्टम के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जिसको सुनकर आप एक ही बात बोलोगे कि इस वीडियो को मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तो इस वीडियो को अपनी आंख, दिल और दिमाग से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो है वो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वॉचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। तो दुनिया भर की बातें बाद में, पहले चैनल को मारो सब्सक्राइब और प्रस्थान करते अपनी वीडियो की तरफ। भारत सरकार ये बहुत अच्छे से जानती है कि जो इंडिया में नशे वाली कंपनियां हैं वो भारत को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है, बिल्कुल घुन की तरह खाए जा रही है लगातार। और हमारी इंडिया का जो यूथ है, जो आने वाला अभी भविष्य है, वो कुछ समझ पाए उससे पहले वो नशे का आदि होता जा रहा है। अगर देश विनाश की ओर जाता है तो जाने दो, सरकार को क्या फर्क पड़ता है। सरकार को तो सिर्फ मोटी मोटी टैक्स की रकम से मतलब है। हम जिन बड़े बड़े सितारों को अपने आंखों पर सर पर बिठाते हैं कि नहीं हम उनके फैन हैं, हम उनके लिए जान दे देंगे, ये वो, ऐसे कई सारे लोग होते हैं समाज में, वही सितारे कभी विमल का ऐड करेंगे तो कभी रॉयल स्टैक का ऐड करेंगे और उन सबको प्रमोट करेंगे। चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं ये सितारे, किसके लिए, हमारे देश को बिगाड़ने के लिए। अब जो लोग नशे नहीं भी कर रहे हैं वो भी बोलते हैं, अरे अजय देवगन कर रहा कुछ तो बात होगी, चलो करके देखते हैं। अरे रणवीर सिंह रॉयल स्टेक पी रहा, चलो पी के देखते हैं कुछ तो बात होगी। जिसको नहीं करना है वो भी कर रहा है। अच्छा, आपने कई जगह पर देखा होगा लिखा हुआ रहता है कि पब्लिक प्लेस में धूम्रपान करना मना है, उल्लंघन करने पर पड़ेगा जुर्माना, वो भी 500 रुपया। पर क्या आपने कभी ये लिखा हुआ देखा है कि पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान बेचना मना है या फिर उल्लंघन करने पर पड़ेगा जुर्माना? कहीं देखा है ऐसी चीज कुछ लिखी हुई? नहीं मिलेगा, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर बिकेगा नहीं तो सरकार को टैक्स कहां से मिलेगा। साला बैंकों के बाहर, अस्पतालों के बाहर, यहां तक कि स्कूलों, मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब के बाहर भी आपको नशे पदार्थ बिकते मिल जाएंगे। अब आते हैं अगली चीज पे, टिकटॉक। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नहीं, यहाँ पर आप अपनी टैलेंट को निकाल सकते हैं, जो आपके अंदर कला है आप उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। सही बात है, चलो अपने टैलेंट को निकालो, अपने कला को प्रदर्शित करो और लोगों को बताओ कि मेरे अंदर भी कोई कला है। सही है, पर ये तब तक ही सही है जब तक आप उसको अपनी कला निकालने के लिए प्रयोग करें या फिर मनोरंजन के लिए प्रयोग करें। मतलब ये कि जिस तरह से लोग पबजी और टिकटॉक के चक्कर में पढ़ के अपनी पढ़ाई छोड़ दिए हैं, हमको नहीं लगता कि अपना इंडिया आगे जा पाएगा। मतलब केवल चंद लाइक के लिए लोग अपनी पहचान बदल देते हैं, लड़का से लड़की बन जाते हैं, वाह भैया वाह। यही लोग जब 30-40 की उम्र के बाद पीछे मुड़कर देखेंगे कि हमने अपने जीवन में क्या उखाड़ा है, उस वक्त इनको शर्म आएगी। तो अभी तुम कोई वैसा काम मत करो कि आने वाले टाइम में जब तुम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखो तो तुमको शर्म आए। कुछ ऐसा करो कि तुमको गर्व हो। आप सबको पता होगा कि हमारे भारत में रेप केस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकारें जो हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं, पर सरकार वो नहीं कर रही है जो उनको करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एप्लीकेशन लिखो, कल आना। अब एप्लीकेशन खुलेगी, एप्लीकेशन देखा जाएगा, फिर आना, तारीख मिल गई है। उसके बाद न्याय चाहिए, फिर आना, तारीख मिल गई है। उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर जाओगे, तारीख मिल गई है। अब भैया तुमको पेशी पर बुलाया जाएगा, तारीख मिल गई है। फिर पेशी होगी, फिर तारीख मिल गई है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना नहीं, 1 साल 2 साल 3 नहीं, सालों साल चलेगा ये सिलसिला। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलोट इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। मिलोट, 2 तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते। हम भी पागल है यार, जब न्याय निर्भया को नहीं मिल पाया जिसके पीछे पूरा देश खड़ा हो गया था, तुमको कहां से मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, हमारा भारत इतना महान है कि जहां लिखा होगा यहां मूतना मना है। मजाल है कि हमारे भारत के वासी उस जगह के अलावा कहीं और मूत दें। जहां लिखा होगा थूकना मना है वहीं थूकेंगे, जहां लिखा होगा मूतना मना है वहीं मूतेंगे। और हमारे भारत के लोग जो कि इंडियन आर्मी को इतना मानते हैं, इंडियन आर्मी हमारी जान है, वाह, रियलिटी में कभी उतर के देखो। ट्रेन में जब इंडियन आर्मी वाले जाते हैं, कोई अपनी सीट से उठ के ये नहीं कहता कि सर आप यहां बैठ जाओ, हम उठ जाते हैं, देशभक्ति करते हैं। बहुत सारी इश्यूज हैं मगर इस बार सिर्फ इतनी बोल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इशू कवर्ड मिलेंगी। हम नहीं चाहते वीडियो ज्यादा लंबी हो और आप छोड़ के जाएं, तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए